हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्लेम्स कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन शिक्षा मंच पर। एक बार बताएंगे कि आपको वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब ओके हैं, बताएंगे ज़रूर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। अभी कौन कौन लाइव है एक बार नाम ले लेती हूँ, ठीक है? वायु, हिमानी रावत, मिस्टर बॉबी राय, अच्छा शिवानी, संदीप पंत, शालिनी, प्रीतम सिंह, हेमचंद्रा, गीत कुमाई, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। एक बार जो आए हैं आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो सभी तक पहुंच जाए और सारे बच्चे इसको लाइव देखें, ठीक है ना? कोशिश करें जल्दी से जितने बच्चे, हाँ जी हाँ जी, गीत कुमाई जी, जी मैम, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना? आप लोगों के लाइक नहीं दिख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके दिल उड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है सब? अच्छा, भूकंप की चर्चा हो रही है यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है? तब तक के लिए आप लाइव आ जाएं, थोड़ा सा जो बच्चे लाइव हैं शेयर कीजिएगा भाई सभी। तो मुझे भी आया भाई कुछ ऐसे कि भूकंप भूकंप का, लेकिन कुछ ज्यादा पता मुझे भी नहीं है कि आया कि नहीं आया। मेरे पास, मेरे जहां मैं रहती हूँ वहां तो मैंने कुछ ऐसा फील नहीं करा, पर सुनने में मुझे भी आया। अमिता रानी, हाय मैम, हाय बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चंस, आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस हमें पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये जो बच्चे आज हमारा है ये प्रैक्टिस सेट जो आपका सेकंड है उसका सोल्यूशन है, ठीक है ना? क्योंकि कुछ बच्चों की जो आपके पहले से लाइ हमेशा यहाँ कोचिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं वो डिमांड कर रहे थे कि मैम सेकंड पेपर को भी आप एक बार सोल्यूशन करवा दीजिएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि बच्चे थर्ड जो आपका सेट होगा वो आपका एप्लीकेशन में होगा, बट सेकंड पेपर इस तरीके से कराया गया क्योंकि ये बच्चों की थोड़ा डिमांड थी। जो बच्चे आपके यहाँ पे पुराने हैं, कहीं सिलेक्शन लिए भी हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है कि किसी को कहीं जाना नहीं सही लग रहा होगा, तो अपनी तैयारी में कंटिन्यू है, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों का, कुछ बच्चों का मैसेज आया था, ठीक है, आंसर भी आ रहा है साथ साथ, बहुत 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 बढ़िया। हेमचंद्रा जी, गीत कुमारी, अमिता रान, ठीक है, संध्या रावत, तो हमारा प्रैक्टिस सेट बच्चे ये सेकंड है आज, ठीक है? फर्स्ट वाला भी हम एक बार एक्सप्लेन करा चुके हैं, ये सेकंड है आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है एनवायरनमेंट सुपरवाइजर का, जिसका एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है? तो आप लोग सभी जितने लाइव हैं एक बार जरूर वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है? और आपका लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जितने बच्चे लाइव है ना उतने दिल भी उड़ते हुए नहीं दिखे मुझे अभी तक, ठीक है ना? तो उसका मैं बड़ा ध्यान रखूंगी कि आप खूब अच्छे से लाइक करें और एनर्जी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसके आंसर भी बहुत बच्चों के आ रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है? हिमानी रावत, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं साथ साथ, सभी बच्चों ने कर भी लिया। द रेड कलर ऑफ रेड वाइन इज मेनली बिकॉज ऑफ, आप बताएंगे कि जो रेड वाइन होती है, सभी ने देखी है विस्की वगैरह, सबने देखी है रेड वाइन जो होती है बच्चे, उसमें जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? देखिए, फर्स्ट है आपका केमिकल्स, पिगमेंट, कलर ब्लेंडेड, या फिर आपका एजिंग जो होते हैं। तो आपका आंसर भी बहुत बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर आया है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने बहुत अच्छे से, जब हमने एक बार, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड भी होंगे, ठीक है ना? इस पेपर में जो एक दो हमने जो पेपर बनाए उसमें मैंने इसलिए रखे ताकि जो बच्चों ने स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं उनका रिवीजन हो जाए। देखो, खुद से आपसे होता नहीं होता वो तो आप जाने, लेकिन हमारी कोशिश या पर्सनली मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि जो अभी तक पढ़ा है एटलीस्ट वो आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना? तो इसका आंसर है बच्चे पिगमेंट। आप देखो, आपने देखा होगा कि जो आपका बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर चेंजिंग के लिए भी, ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा कि टोमेटो का रेड कलर, यानी कि जब वो पक जाता है तो वो कौन से पिगमेंट, कौन से वर्णक जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो आपने देखा लाइकोपिन, इस तरीके से क्या होता है बच्चे पिगमेंट होता है। तो जो रेड वाइन होती है, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी होती है, कोई भी चीज अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो वो हेल्दी ही होती है। सारी चीजें क्या होती है, बुरी तब होती है जब वो आपका एक्सेस अमाउंट में ली जाती है, तभी बोलते हैं ना अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? वही बात है, पोस्ट बहुत कम है, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल अंकित जोशी जी, सिलेक्शन होगा 100% होगा, बट अगर आपकी तैयारी उस लेवल की होगी कि आप उस एक सीट को लेने के लिए क्या होंगे, बिल्कुल लड़ रहे होंगे अभी,
लड़ रहे होंगे, मतलब बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे कि मुझे एक सीट तो लेनी ही लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो पहले ही नेगेटिव तो नहीं होना। मैंने देखो कल भी बहुत बोला है आपको और अभी भी बोल रही हूँ कि बिल्कुल प्रेशर में मत पड़िएगा, बहुत रिलैक्स मूड में पड़िएगा। जितना पड़ा है एटलीस्ट उसको तो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी टाइम है आपके पास, हम भी साथ हैं, अभी आपके जितना हो पाएगा आपको लास्ट तक देने की कोशिश करेंगे। और मेरी पर्सनल आपको ये रहेगी कि अगर मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं आपको एक बार जो नीट के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो नीट के क्वेश्चन है, उनको मैं आपके सामने चैप्टर वाइज लाऊंगी, तो इस पर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। एक दो दिन में शायद उसके आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है ना, जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है या जो नीट की स्पेशल बुक आती है उससे मैं आपके क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते ये सॉरी आपका पिगमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वॉटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। आपको पता है कि जो पानी में पाया जाने वाला वह कौन सा तत्व है जो आपका क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। वेरी गुड संध्या रावत, हमें तो एक पोस्ट चाहिए, बिल्कुल आपको एक पोस्ट के लिए ही लड़ना है भाई, ठीक है ना। आपको अगर मैंने पहले भी कहा था कि 100 पोस्ट होंगी तभी भी मेहनत उतनी करनी है, और एक पोस्ट भी होगी तो मेहनत आपको उतनी ही करनी है। तो आपने माइंड में पोस्ट को मत लीजिएगा, बस तैयारी को फोकस करें, ठीक है ना। देखें तो ऑप्शन है आपके पास बच्चे, आर्सेनिक, आयरन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो आंसर करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी आंसर करें भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, एकदम से ना ऐसे चलने चाहिए आपके, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं ना, इसमें टाइम नहीं लेना है, ठीक है। वेरी गुड, सभी का सही आंसर है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे ना तो जोश के साथ मुझे भी बहुत पढ़ाने में मजा आएगा। आर्सेनिक इज द राइट आंसर। जो आर्सेनिक होता है बच्चे, ये इनको कार्सिनोजन्स भी बोलते हैं। कार्सिनोजन्स वे तत्व होते हैं या वे एलिमेंट्स होते हैं जो आपका कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन तत्वों को आपका कार्सिनोजन्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। आरुषि बर्तवाल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं और अपनी क्वेश्चन को साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी का आंसर, डॉक्टर स्टोन सिंह को, बहुत बढ़िया। आलोक मैम ने तो फ्री क्लास करा दी फिर। हाँ आलोक जी, हमने क्योंकि अभी देखा पेपर बहुत पास है, तो देखो एक समाज सेवा समझिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता था कि एप्लीकेशन में बच्चे अभी क्या है, थोड़ा सा हो सकता है किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, नहीं उतना पे कर पा रहे हैं, तो मैंने फिर से आपका यूट्यूब पर क्लास लेनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो देखें फर्स्ट, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 23 का आंसर करेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स इज टर्म, यानी कि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीन लोकलाइजेशन, जीन सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोमल्स मैपिंग एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। हिंदी में भी सेम है, जीन स्थानीय, जीन अनुक्रम, गुणसूत्र मानचित्र या डीएनए अनुक्रम। थोड़ा सोचिएगा जरूर, तब आंसर करना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। गणेश भट्ट, जय हिंद मैम, जय हिंद भाई, आपको भी जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते जो आपको बोलते हैं, सेवा सोली जो भी आप लगाते हैं, ठीक है ना। चलो आंसर आ रहे हैं बी, बी सी भी आ रहा है, प्रीतम सिंह, क्रोमोसोमल मैपिंग, बहुत बढ़िया लगता है आप लोग। 28 का और किसका है, संध्या रावत, वेरी गुड, गीत कुमारी, वेरी गुड, हिमानी रावत, बहुत ही अच्छा, स्टोन सिंह को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। रिवीजन ऐसा ही होना चाहिए, रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि लगे कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में छपा हुआ है। वेरी गुड, तो क्रोमोसोमल मैपिंग इज द राइट आंसर। देखो क्रोमोसोमल मैपिंग, प्रीतम जी जो आप पुराने जो बच्चे हैं जो डेली क्लास को अपडेट मतलब देखते हैं, लाइव देखा है जब जब क्लास हुई है, तो मुझे लगता है उनको लग रहा होगा कि भैया बस काम तो हो रहा है, ठीक है। ऐसी एग्जाम में होगा जब आपको सामने क्वेश्चन दिखेंगे ना और लगेगा पढ़ाओ, देखो कितना अच्छा अंदर से फील होता है, एनर्जी ऐसी आ जाती है ना, मन करता है भैया बस इस बार तो हो गया, ठीक है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, कॉन्फिडेंस रखना है बस, ठीक है। मैम कैमरा एंगल तिरछा है, क्वेश्चंस नंबर नहीं दिख रहा और राइट साइड का आधा दिख रहा। अच्छा ठीक है, अभी आपके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चन करें, मैं अभी करवाती हूँ ये सब सही, ठीक है। देखो आपके लिए तुरंत हाजिर है भाई, हमारी मैम भी तुरंत आ जाती है जैसे देखती है ना कि कुछ बच्चों को दिक्कत होने लगी है, ठीक है। तो आपका एंगल सीधा बिल्कुल होने जा रहा है, तो हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम। अभी आप मेरी वॉइस पर फोकस करना, एंगल एंगल बन रहा है ठीक ठाक, ठीक है ना। देखो जो क्रोमोसोमल मैपिंग होती है, अब एक बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं अपनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को, यानी कि जो आपका क्रोमोसोम्स होंगे,
जो आपका क्या है, ये क्रोमोसोम्स है सपोज आपके, ठीक है। इस पे वो बोल रहा है कि जीन के अनुक्रम, जीन के सीक्वेंस को, सपोज ये जीन्स लगे हुए हैं, ये क्या है, जीन्स है, ठीक है। जीन्स का सीक्वेंस क्या है, अब आप देखें ऑप्शन में जाएं, अगर आपने नहीं कभी पढ़ा है तो ऑप्शन में जाने के लिए क्या देखेंगे, जीन लोकलाइजेशन, जीन सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आंसर क्या होगा। देखो जब आप कोई मानचित्र बनाते हैं ना, यानी कि कोई मैप बनाते हैं, उत्तराखंड का हो, इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो, उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या देखते हैं, एक तो हम देखते हैं कि वो जैसे हमने कोई सिटी देखनी है, कोई कंट्री देखनी है, तो हम मैप में क्या करते हैं, मैप में ही तो देखते हैं हम कि यार ये सिटी कहाँ पर है, ये कंट्री कहाँ पर है, और उनके बीच को क्या करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। सेम आपका जीन मैपिंग, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ये क्रोमोजोम से बच्चे, एक तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, जीन का क्या देख रहे हैं, स्थान देख रहे हैं कि कहां पर जीन प्रेजेंट है, इसको भी सही करना, ठीक है। थोड़ा आपका माइक भी सही कर रहे हैं भाई, बहुत लूज हो रहा है ये, मुझे दिन प्रतिदिन पता नहीं क्यों आवाज भी नहीं आ रही है, कुछ मेरा सर छोटा हो रहा है क्या, मुंह पे जा रहा, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा अभी चलो इस क्वेश्चन के बाद करते हैं, ठीक है। 27 का ए और अब बी भी आ रहा है, 27, अच्छा 28 पे आ जाए, थोड़ा सा फास्ट, और मैंने क्या कहा, लाइक शेयर एकदम से भागने चाहिए भाई, ठीक है ना, ये दिल विल भी खूब भागने चाहिए, इससे भी बहुत देख के ना बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा बच्चे कि जो आपका मैप होता है, आपने मैप में क्या देखने की, हम मैप क्यों देखते हैं, हम मैप इसलिए देखते हैं कि हमें पर्टिकुलर कंट्री का भी पता चले, और कोई हम पर्सनली कोई प्लेस देख रहे हैं, जैसे आपने देहरादून में है, ये तो आपका क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आपको देखना करणपुर कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, इस मैप के जरिए ही तो देखेंगे कि पहले देहरादून देखेंगे, देहरादून के अंदर करणपुर देखेंगे, या जो जो देखना है जिसको, तो वैसे ही हम क्या होता है, ये पूरा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स से हम डीएनए जो आपके जीन्स हैं उनको देखेंगे, उनकी लोकलाइजेशन यानी कि उनका क्या देखेंगे, ये कहां पर प्रेजेंट है। तो एक तो बच्चे क्रोमोसोम मैपिंग को ही आपका जीन मैपिंग बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, इसको ही आपका जीन मैपिंग बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस भी आप समझने की कोशिश करना। अब आपका इसके इस पे भी हम बात करेंगे, जीन सीक्वेंसिंग क्या है, पर इसको समझने की कोशिश करना। मैम आवाज नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है क्या आवाज, यार ओके है सब, तो आवाज आ रही होगी यार, अच्छा देखें, ठीक है। क्रोमोसोमल मैपिंग को जीन मैपिंग बोला जाता है, यहां पर आपने एक तो क्या करना है, जीन का स्थान देखना है कहां पर प्रेजेंट है, दूसरा बच्चे एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ पर, एक जीन, यानी कि उनके बीच की दूरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखने के लिए आप यूज करते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम्स पर जीन के अनुक्रम को या सीक्वेंस को देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, आपको सीधे सीधे टिक करना है क्रोमोसोमल मैपिंग, क्योंकि जो आपके जीन प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स की जो मैपिंग होगी दैट इज कॉल्ड जीन मैपिंग या फिर आपका क्रोमोसोमल मैपिंग, क्लियर हुआ। दूसरा आ रही है मैम, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा आपके पास बच्चे जो कंफ्यूज करता है वो है आपका जीन सीक्वेंसिंग, क्या है दूसरा, ये ऑप्शन जो है ना जीन सीक्वेंसिंग, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि आप देखेंगे जीन के सीक्वेंस को जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं, यही तो देखेंगे, लेकिन नहीं, जीन सीक्वेंसिंग क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके सही सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए आपका जीन सीक्वेंसिंग यानी कि ये वाला टर्म यूज किया जाएगा। अंतर देखा क्या हुआ, जीन के सीक्वेंस को क्रोमोसोमल मैपिंग या जीन मैपिंग, जब आपका जीन में जो आपके जीन्स होंगे उनमें न्यूक्लियोटाइड के क्रम को देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोस शुगर होता है, ठीक है ना। तो जो आपका जीन मैपिंग और आपका डीएनए सीक्वेंसिंग है उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर आपका इसकी दूरी, इसका स्थान को ज्ञात करेंगे और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ज्ञात करेंगे, क्लियर हुआ, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट, वेरी गुड, हाँ वही। अच्छा अगर क्लियर हुआ तो एक बार लाइक का मुझे शो कराए, लाइक थम मुझे भेजें भाई कि मुझे मतलब आ गया समझ, जिनको आ गया वो बिल्कुल भेजेंगे, देखो ठीक है। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29, देखो आप लोग एक तो ना लाइक में और शेयर में कंजूसी मत करना, उससे मेरा मनोबल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, तो डाउन नहीं करना, जिस एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे आना चाह रही हूँ आप भी उसी एनर्जी के साथ तुरंत से अपना रिविजन करें, ठीक है ना। ये आपको देखो मैंने एक वो बोला है कि भैया किसी का भी हो ये क्वेश्चंस, ये तैयारी, ये सब तक पहुंचे तो उसमें हमारे क्या होगा, एक लगेगा कि हमने कुछ किया है, ठीक है ना, तो आप लोग भी साथ देंगे बिल्कुल।
देखें 29 है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग फॉसिल्स इज अ स्पीसीज ऑफ, जीवाश्म का उदाहरण इनमें से कौन सा है आप बताएंगे, कौन सी प्रजाति है? 29 का सी भी आ रहा, वेरी गुड भाई, बहुत ही फास्ट है आप तो, मजा आ गया भाई। प्रीतम सिंह ने कर लिया, और किसका, अमिता रानी ने कर लिया, हिमानी रावत ने कर लिया, गणेश भट्ट ने कर लिया, बाकी को नहीं लगा कुछ, नहीं समझ आया जीन मैपिंग, तो इसका आंसर भी करेंगे साथ साथ। 29 का सी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चे, सभी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऐसी अपनी तैयारी को बरकरार रखना, ठीक है। लैटिमेरिया इज द राइट आंसर, जो आपका बच्चे लैटिमेरिया होता है ये आपका रेयर स्पीसीज ऑफ फिश होती है, मतलब फिश की रेयर स्पीसीज है, बहुत कम देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड लैटिमेरिया। तो आपके पास ऑप्शन अगर इस तरीके से आएंगे, देखो होने को जीवाश्म बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा लैटिमेरिया। अब थोड़ा सा बाकी पर भी फोकस करते हैं, आपको पता है आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, जल्दी से बताएंगे साथ साथ। गरिमा शर्मा, गुड इवनिंग गरिमा जी, आप आ गए हैं, अपना रिविजन बहुत अच्छे से करें भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर जगह बच्चे रिविजन नहीं होता इतना मुझे भी पता है, क्योंकि हम भी देखते हैं ना, जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब, हम भी देखते हैं, क्योंकि क्या होता है सबको होता है कि हम कोर्स कराएं कराएं कराएं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखें जितना हमने पढ़ा वो हमें आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। देखो एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो रिवीजन पर फोकस ज्यादा करता है, ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब इस पे देखो मैंने पूछा आर्कियोप्टेरिक्स का कोई आंसर बताएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स में क्या लिखा जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है बच्चे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड रेप्टाइल्स, यही इसका एक मतलब जो कॉमन क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, तो आपको ये याद रखना कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, संयोजी कड़ी आपका पक्षी और सरीसृप, जो आपका फाइलम होते हैं उनके बीच की, ठीक है, एप्स एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका एक है यूरोमैस्ट्रिक्स, अब आपने बताना है यूरोमैस्ट्रिक्स है क्या, किसकी स्पीसीज है ना। यूरोमैस्ट्रिक्स क्या होती है बच्चे आपका, ये आपका सैंड लिजार्ट है, एक क्या है सैंड लिजार्ट, सैंड लिजार्ड मतलब जो आपका कहाँ बालू में रहने वाली क्या होती है आपकी लिजार्ड होती है, इसलिए उसको सैंड लिजार्ड भी कॉमन नेम होता है, मतलब उसका जो एक उपनाम टाइप से, और बाकी इसको यूरोमैस्ट्रिक्स उसका क्या है मेन नेम है। वेरी गुड प्रीतम सिंह और गरिमा शर्मा, डॉक्टर स्टोन जो भी हैं, वेरी गुड। मैम हूँ उत्तराखंड से हूँ, मैम हूँ मतलब क्या, मतलब समझी नहीं, उत्तराखंड से हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करा है, रिवीजन करें जल्दी से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, और अभी जो मोदी जी का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इसी बात पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले एक बार बहुत अच्छे से आपको होमवर्क के तौर पर भी दिया था कि कितने गोल्स हैं, 2000 आपका 23 में आपका कितने गोल्स रखे गए हैं, या फिर आपका किसका मेंबर, कितने आपका कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो क्या होता है कई बार ना करंट के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, करंट के क्वेश्चन भी क्या होते हैं बहुत ज्यादा आ जाते हैं एग्जाम में, एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जल्दी से आंसर करें भाई जल्दी से, प्रीतम जी, गरिमा, आरुषि बर्तवाल, जल्दी से आंसर करें, और बाकी जो शिवानी, ठीक है, जल्दी से आंसर करें, हेमचंद्र, गणेश भट्ट, सभी आप आंसर करेंगे, जिसको जल्दी जल्दी हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ें। 30 का प्रीतम का आ गया भाई डी, डी क्या डेवलपमेंट दैट मीन्स, ठीक है, वेरी गुड। और कौन है, संध्या रावत, वेरी गुड, आरुषि, वेरी गुड, हिमानी रावत, वेरी गुड, शीला, वेरी गुड, गरिमा, बहुत अच्छा भाई, संदीप पंत, वेरी गुड, आपने बहुत सही आंसर किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है बच्चे कि जब आपका ऐसा विकास, जब आपका भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, यानी आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे, तो हर बार हम ऐसे संसाधनों का यूज करें, सोर्सेस का ऐसा यूज करें कि भैया आगे के लिए भी काम आए, ये नहीं कि भाई जो मिला बस आज ही है जो कुछ है, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है, हम किसी भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, तेल हो, कुछ भी हो, वो इस तरीके से यूज करें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उस तक भी कुछ बचा रहे। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे मतलब मम्मी पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर चीज को क्या करते हैं आगे के सोचते हैं कि हाँ कल आज हम इतना करेंगे, हमारे बच्चों के लिए इतना होगा, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना। हर किसी के माँ बाप का एक वो होता है कि नहीं हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए कुछ बचे, ठीक है ना, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे अपनी क्या होती है प्रॉपर्टी को जुटा रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। अब आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैंने पहले भी पूछा है कि इसमें कितने गोल्स हैं, गोल्स कितने हैं, यहाँ पे कोई आंसर नहीं करेगा, ऑफलाइन कमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पर मैं सबके आंसर्स देखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज एलोपेशिया, क्या होता है एलोपेशिया बताएंगे,
व्हाट इज एलोपेशिया? क्वेश्चन नंबर 7-7 डालेंगे, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे बच्चे एक्टिव हैं। लाइक करें, शेयर करें और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और आपको सेशन पसंद आता है ना, तो ऑफलाइन कमेंट करने में प्लीज मतलब कंजूसी मत करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप लोग शेयर लाइक करते हैं या कुछ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, टीचर में एक अलग सी एनर्जी आती है, ठीक है ना? मुझे आप टीचर भी ना समझो, साथ ही कोई समझ लो, या छोटा बड़ा जो जिसको समझना है वो समझे, लेकिन क्या होता है, जब हम दूसरे को अच्छा सा वो कराना होता है ना, फिर तो उसकी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है कि बोलना पड़ता है अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है ना? बुरा भी लगता है, कोई दिक्कत लगती है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो वो भी आप लिख सकते हैं कॉमेंट में कि मैम इसमें कुछ थोड़ा ये ऐड कर दीजिए, जिसको जो प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम अगर मुझ तक नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्या दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को बताना है, ठीक है? पशुधन प्रसार अधिकारी सिलेबस वही रहेगा या चेंज होगा, इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट को कंप्लीट होने देते हैं, ठीक है? गरिमा, लॉस ऑफ एयर, वेरी गुड। और किसका आया? बी बी क्या है? लॉस ऑफ एयर, वेरी गुड। सनी रावत, वेरी गुड, बहुत टाइम बाद सनी रावत जी के दर्शन भी मुझे लगता है यहाँ हुए हैं। वायु का, वेरी गुड, आज तो रिकॉर्ड बना देंगे सही आंसर का, ठीक है? उत्तराखंड से हूँ, बी बी क्या है? लॉस ऑफ एयर, वेरी गुड। मैम ये कल के बचे हुए क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ अभी कल के बचे हुए क्वेश्चन, ये पेपर है बच्चे, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, कल के बचे हुए क्वेश्चन आपके कल आ जाएंगे, क्योंकि आज ये प्रैक्टिस सेट करवाना ना, इसलिए इसके अंदर प्रैक्टिस सेट जो बना हुआ है उसके क्वेश्चन है, ठीक है? शिवानी आर्या, बी लॉस ऑफ एयर, वेरी गुड भाई। तो आप सभी ने, जिसने अभी तक, मुझे लगता है किसी का आंसर गलत नहीं आया, जिसने भी किया सही आंसर किया, और अगर किसी को और कुछ लगता था कोई बात नहीं, लेकिन आंसर अब नहीं भूलना है। देखो एलोपेशिया क्या होता है बच्चे, क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर्स होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आप उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घरों में या किसी का भी आपके यहाँ पर सपोज कोई कोरोना हुआ होगा, ठीक है ना? जब कोरोना भी हुआ था तो उस टाइम पर क्या हुआ था बच्चे, आपका उसके बाद जो है ना बहुत ज्यादा मैंने ऐसे सुनने में आया, इवन मेरे घर में भी मेरे ब्रदर को हुआ था, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी कि हेयर्स तब से क्या उन्हें गिरने ही स्टार्ट हो गए, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर यही एडवाइस कर रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अपना क्या करें, प्रोटीन को बढ़ाएं। प्रोटीन आपका पल्सेस हो गई, जो भी आपकी दालें होती हैं उनको खाकर, ठीक है ना? बाकी भी आपको पता है, एग वगैरह में जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, एल्बुमिन प्रोटीन, वो ज्यादा से ज्यादा लें। कोशिश करें कि प्रोटीन की अमाउंट को बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कैरेटीन क्या है, आपका प्रोटीन है, वही आपके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, आपके हेयर्स के लिए, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। तो आपने आंसर कर लिया कि व्हाट इज एलोपेशिया, एलोपेशिया होता है लॉस ऑफ हेयर वाली कंडीशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32। द फोर स्मॉल ग्लैंड्स इन द थायराइड ग्लैंड्स आर नोन एज, थायराइड ग्लैंड में जो पाए जाने वाली जो चार छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, आप सभी को नाम से ही आ जाएगा कि क्या बोला जाएगा, ठीक है ना? कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा इस चीज का। तो ऑप्शन आपके सामने है, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मतलब सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड, या फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। अच्छा गर्मी से हो रहा है हेयरफॉल, ठीक है, तो आप अब क्या करें, ज्यादा कैप वैप लगा के रखते हैं क्या 24 घंटे? वायु जी, आपका तो नाम ही वायु है, आपको कहाँ से गर्मी लग रही है, आपके पास तो हर टाइम पर आपके पास उपलब्ध है वायु, ठीक है? 32 का आंसर आ रहा है भाई, शीला राणा, संध्या रावत, सी, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। गरिमा आंसर कर लिया है, प्रवीण राणा, सभी ने आंसर कर लिया, जिनका भी आंसर बच्चे आपका क्या था, सी आपका आंसर था, सी इज द राइट आंसर, ठीक है? सी है आपका पैराथायराइड। आपको मैंने बताया है कि इस तरीके का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी चार आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, दिस इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है? अब मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भाई, पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जल्दी से आंसर करेंगे, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपकी पीट पैराथायराइड ग्लैंड होता है, वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बताएंगे, पैराथायराइड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, ल्यूकेमिया इज एन एबनॉर्मल, यानी कि ल्यूकेमिया एक असामान्य है क्या? इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल्स, डिक्रीज इन आरबीसीज, इंक्रीज इन आरबीसीज एंड डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। आप आंसर करेंगे जल्दी से। सरीसृप और पक्षी के बीच के लिए कौन सा आ रहा है?
कोल्ड एरिया से गर्म एरिया में रखे। अच्छा हाँ, ऐसा भी हो सकता है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, तो हो सकता है वो भी रीजन हो। लेकिन आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 33 है, और क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकोपेनिया है ये, ल्यूकेमिया नहीं है, ठीक है। ल्यूकोपेनिया इज एन एबनॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन है, इसमें से क्या बढ़ता है क्या घटता है आपको बताना है जल्दी से। आंसर करेंगे सारे बच्चे, देखो आपको पता है कि आपने ल्यूकेमिया तो सुना होगा कि ल्यूकेमिया कौन सी कंडीशन होती है, आपने सुना है ब्लड कैंसर, ठीक है ना, सभी ने सुना है, कोई नई बात नहीं है। ब्लड कैंसर को ही आपका क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। ब्लड कैंसर का नाम क्या है, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। और आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर ल्यूकेमिया वाली कंडीशन भी है, तो बताएंगे जब आपका बच्चे WBCs में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इंक्रीज ऑफ WBC, ऑप्शन होगा इंक्रीज इन, ये RBC है, इंक्रीज इन WBC, तो ये वाली कंडीशन होगी ब्लड कैंसर की, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया में आपका डिक्रीज इन WBC, ये वाली कंडीशन है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब आपका सफेद जो आपकी रक्त कणिकाएं होती हैं उनको, उनमें जब आपकी कमी आ जाती है तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया बोला जाता है, ठीक है। आंसर काफी बच्चों का नहीं आया, 33 का बी। अच्छा कर रहे हैं क्या, ठीक है, तो आंसर ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया में आप डिफरेंस यही समझेंगे कि ल्यूकेमिया में क्या होगी, इंक्रीज होगी WBC, और आपका ल्यूकोपेनिया में आपका डिक्रीज कंडीशन होगी WBC की, ठीक है ना, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिटिल लीफ डिजीज डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो छोटी पत्ती वाला जो रोग है वो आपका किसकी कमी से होता है बताएंगे जरूर। वायु जी, ल्यूकोपेनिया लिखा है वो, ठीक है ना, ल्यूकोपेनिया, और जो मैं बोल रही हूँ दूसरी कंडीशन ल्यूकेमिया, क्वेश्चन आपके पास ल्यूकोपेनिया था, ठीक है, तो उसमें आपका WBC की कमी होगी और ल्यूकेमिया में आपका WBC की इंक्रीज होगी, यानी कि वृद्धि होगी, ठीक है। विजय बिकी मैम, PCS के लिए साइंस की क्लास चलाओगे, PCS के लिए साइंस की क्लास, देखो मैं तो आपको यही अभी सजेस्ट करूंगी कि जितनी क्लासेस हो रही हैं अभी तक साइंस की, उनमें आप सभी क्लासेस को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो साइंस ऐसा ना, चाहे PCS हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, साइंस के क्वेश्चन तो वही रहने वाले, चाहे कोई भी एग्जाम आएगा, प्री कोई भी एग्जाम आएगा तो यही रहने वाले हैं, ठीक है, जो अभी आप यहाँ पे आपके चलते हैं। तो आप अगर डेली क्लास देखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको PCS के प्री में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि ये सारे पेपर जितने भी हुए होते हैं प्रीवियस, उनका निचोड़ होता है एकदम से, ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने खुद कहीं भी नहीं आ रखा वहां से उठा रखा हो, PCS में हो या आपके जो अदर स्टेट PCS होते हैं या आपका लेक्चरर LT जो भी होते हैं, उन सभी के क्वेश्चन आपके क्या है, मिक्स करके ले आती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड, आपके सभी के आंसर आया है जिंक, ठीक है, जिंक इज द राइट आंसर। जो लिटिल लीफ डिजीज होती है बच्चे प्लांट में आपका, वो किसकी वजह से होती है, जिंक की कमी से होती है, ठीक है ना। लिटिल लीफ का मतलब क्या होता है, देखो कुछ तो नेचुरली प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव छोटी होंगी, वो कोई डिजीज नहीं होगी, लेकिन जब आपका कोई ऐसा बड़ा प्लांट है जिसकी लीव नॉर्मल कंडीशन की बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वहां पर जब जिंक की कमी हो जाती है बच्चे, तो आपका वहां पर उसको डिजीज माना जाएगा, उसकी पत्ती ग्रो नहीं करेगी, पत्ती बड़ी बड़ी नहीं होंगी, बल्कि वो क्या होती है, अपने साइज से, अपने नेचुरल जो उसका साइज होता है उससे छोटी ही रहेगी, ठीक है। तो वो किसकी कमी से होगा, जिंक की कमी से होगा, ठीक है। और जो विजय जी पूछ रहे हैं PCS का, तो जब आपका लेक्चर और LT की भी मैं क्लास जब स्टार्ट करूंगी साइंस के, तो उसको तो आप 100% देखना, क्योंकि उसमें लेवल थोड़ा उठा हुआ होगा लेक्चरर का, तो वहां पर PCS डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर आप देखना जब भी स्टार्ट होगी, इसके बाद स्टार्ट होगी। 35 क्वेश्चन है बच्चे, द टेस्ट फॉर डायग्नोस TB इज, यानी कि जो TB होती है, आपने देखा ट्यूबरक्लोसिस जो आपका बीमारी है, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जल्दी से बताएंगे कौन सा टेस्ट किया जाता है। आपके सामने टेस्ट है पैप स्मियर, एलिजा, DNA या फिर मेंटॉक्स, आंसर करेंगे सारे बच्चे। मैम LT का बता दो, इसके बाद LT स्टार्ट करेंगे बच्चे, आफ्टर एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसके बाद जस्ट आपका LT और लेक्चरर पर ही हमारा पूरा फोकस रहेगा, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल उस पर ही काम होगा। 35 का बी, 35 का बी, एलिजा कहाँ से आ जाएगा, TB का, संदीप पंजी थोड़ा सा सोचना, नहीं, गलत जा रहे, प्रवीण राणा गलत, थोड़ा सा सोचो, एलिसा टेस्ट कहाँ से, एड्स का होता है एलिसा टेस्ट, तो
देखो ऐसे तो पेपर में कंफ्यूज होते हैं आपने, क्योंकि एलिसा एलिसा ही पढ़ा है ना ज्यादा से ज्यादा, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। ये एड्स का होता है बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आपका फुल फॉर्म है इसकी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स इसको बोला जाता है। तो एड्स जो है बच्चे वो उसका टेस्ट है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, वेरी गुड। प्रीतम सिंह, आरुषि वर्तवाल डी, जिनका भी डी है, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, नाराज नहीं होना, लेकिन जिनका भी आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। मेंटॉक्स जो टेस्ट होता है बच्चे, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट आपका एड्स के लिए किया जाता है, जो आपको पता है। और एक होता है बच्चे आपका पैप स्मेयर टेस्ट। देखो ये भी सपोज कि सबको पता होगा, ये तो सभी को पता है एलिसा एड्स का है, लेकिन अगर आपके पास आ जाए कि पैप स्मेयर टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है, तो क्या बताएंगे आप कि कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? गरिमा, प्रीतम, आरुषि बतवाल, ये सारे बच्चे जिन्होंने मेंटॉक्स आंसर किया है, वो मुझे एक बार जरूर बताएंगे कि पैप स्मेयर टेस्ट कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है, ये आप बताएंगे साथ साथ। हाँ तभी तो वायु जी, वही तो पूछ रही हूँ। पैप स्मेयर मैंने पूछ लिया है, एलिसा मैंने बता दिया एड्स का है, डीएनए कोई टेस्ट ऐसा है नहीं, डीएनए तो आपको पता ही है, यहाँ पे पीसीआर वगैरह चेक, जब आपका डीएनए वाली कोई टेस्ट है नहीं ऐसे। मेंटॉक्स आपका टीबी का हो गया, तो सारे ही ऑप्शंस तो हो गए हैं। देखो वेरी गुड भाई, डॉक्टर स्टोन से सेंकु जी का आंसर आया पैप स्मेयर सर्वाइकल कैंसर, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर किया और बिल्कुल सही आंसर है कि जो आपका सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए पैप स्मेयर टेस्ट किया जाता है। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है आपको पता है, फीमेल के केस में सर्विक्स में आपका क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उस कंडीशन को आपका सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, और उसके लिए आपका पैप स्मेयर टेस्ट किया जाता है। वायु जी चारों ऑप्शंस क्लियर हुए, क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो ये आंसर आपको करना ही करना था। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 36, हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, क्या है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, लो उसी से कर लेते हैं। ठीक है, बताएंगे कि आपका अनेक विषों और मादक द्रव्यों के विषहरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपका, मैं आपको ये भी बता दूं, आप बोल रहे थे ना कि मैम प्रीवियस के पता नहीं कराती नहीं कराती, आप पिछले साल का लेक्चरर पेपर उठाना जो अभी हुआ है, यानी कि 2021 वाला। ठीक है, लेक्चरर का 2021 में जो एग्जाम हुआ था बच्चे, उसका ये क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, बट आपका क्वेश्चन सेम था। ठीक है ना, तो वहां पे क्वेश्चन आ रखा है कि आपका अनेक विषों और मादक द्रव्यों के विषहरण में कौन सा आपका सेल ऑर्गेनली बोले महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको फुल फॉर्म सभी की पता है, आरएनए पता है, डीएनए पता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैप्सिन क्या लिख रहे हैं अजय सैनी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसी यार। अच्छा ऐसी यार इसका है, ठीक है ठीक है, वो क्या है ना, क्योंकि स्मॉल में लिखा है तो मैं ऐसे करके ध्यान था। ठीक है वेरी गुड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गरिमा बहुत अच्छा। आरती नोटियाल मैम आप डेली क्लास लेते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप डेली क्लास होने लगे, आप पहले भी क्लास देते थे ना, आपसे डेली क्लास होगी। ठीक है मैम, डॉक्टर स्टोन एक क्या, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा इसलिए आपने अपना नाम हो रखा है। ठीक है, नमस्कार मैम, नमस्कार आपको, दीप दीप जी जो भी हैं, ठीक है बहुत बहुत नमस्कार, लेकिन आपको नमस्कार बहुत लेट आ रहा है, क्या बात। आज से आप लोग ये मान के चले कि 4 से 5 बायोलॉजी की क्लास डेली होगी, ठीक है ना, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो क्लास को जरूर ज्वाइन करें, और ये आपके लिए फायदेमंद होगी। देखो इसमें मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है कि मुझे कोई उससे फायदा होगा, आप जितना लाइव बैठेंगे दिमाग उतना तेज होगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़े हैं ये अभी, क्योंकि ये पेपर का चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड हमने रिवीजन के लिए, मैंने पर्सनली बायो के वो क्वेश्चन डाले हैं जो बच्चों के रिवीजन करने हैं। जैसे जो डेली बच्चे बैठते हैं, जैसे एक दो नाम मुझे याद है, प्रीतम हो गया, आरती हो गई, गरिमा जी हो गई, या अजय सैनी, संदीप पंत, ये कुछ बच्चे जो अभी एक दो और भी हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो डेली बैठते हैं, इनका देखो अगर इन्होंने शुरू से क्लास देखी उनका रिवीजन होगा, और हो नहीं रहा है तो ये लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जरूर ऑफलाइन कमेंट करेंगे, वरना मैं क्लास नहीं लूंगी अगले दिन से। ठीक है ना, ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे क्या होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डिटॉक्सिफाइंग के लिए, याद रखना। लेक्चरर प्री, अभी जो आपका प्रीवियस अभी जो रिसेंटली हुआ है उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दे,
ठीक है, तो आंसर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। लेकिन अगर वो पार्ट के फॉर्म में देखता है कि रफ है या स्मूथ है, तो स्मूथ इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं मल्टी साइंस में ग्रेजुएशन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 देखो, जो मियोबियन ग्लैंड्स होती हैं आर लोकेटेड इन, जो आपकी मियोबियन ग्लैंड होती है बच्चे, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये कौन से ऑप्शन है, आंख, नाक और क्या है, आंख, कान, नाक, जो भी आपकी स्किन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जल्दी बताएंगे। थैंक यू फॉर डेली क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, जो शिवानी आ रही थी, आप लोगों के बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैम डेली क्लास लो, पेपर आने वाला है ना, तो इसी वजह से मैंने सर को बोला कि सर हम तुरंत से यूट्यूब पर आपने क्वेश्चन मैं पर्सनली दे ही देती हूँ। ठीक है, बाकी तैयारी बच्चे अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ वो है पर्सनली, जो एक अंदर से फील होता है कि नहीं करना है तो करना है। ठीक है, बट आप लोग साथ जरूर देंगे भाई, ठीक है, तभी काम बनेगा। तो देखें 37 का आपका आंसर आ गया है भाई, संध्या रावत का सी, संध्या रावत सी, शीतल पेटवाल आइज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया गरिमा, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैं भी रिवीजन को ना फास्ट रखना चाहती हूँ, क्योंकि रिवीजन ऐसी चीज है जितना आप फास्ट करेंगे ना दिमाग उतना तेज चलता है। ठीक है, मानते नहीं मानते इस बात को बताएंगे। देखो आईज जो होती है बच्चे, आपने देखा है जब हम क्या होता है, आईज में आपका म्योबियन ग्लैंड्स होती हैं। म्योबियन ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक ऑयली सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। यहाँ पे आप याद रखेंगे ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है, एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि जिसे बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड याद रखेंगे। कौन सी, म्योबियन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ से आपका ऑयली सब्सटेंस क्या होता है, आपका ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट होता है। ऑयली सब्सटेंस क्या होता है, सिक्रीट होता है, जिसको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं बार बार उस वर्ड को भी बोलती हूँ। जो ऑयली सब्सटेंस होती है बच्चे, उसको बोला जाता है मीवम, एक सब्सटेंस होता है इसको बोला जाता है मीवम। ठीक है, ये आपका ऑयली सब्सटेंस है। जब हम रोते हैं, जब हमारे आंसू निकलते हैं, तो आपने देखा होगा एक लंबी धार सी बनती है। ठीक है, पूरे गाल पे फैल नहीं जाता है पानी, मुंह धुलते हुए पूरे गाल पे फैल जाता है, लेकिन वहां पर जब आंसू देखते हैं एक कॉर्नर पे आ जाते हैं। ठीक है, और तब जाके वो क्या करते हैं, निकलते हैं आईलिड के बगल में जो आपका कॉर्नर है, वहां से एक धार के रूप में निकलते हैं। तो वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि वहां पे मियोवियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और यहाँ से आपका फैटी मतलब आपका ऑयली सब्सटेंस जैसा रिलीज होता है, जिसे मीबम बोला जाता है, और इसकी वजह से वो एक धार के रूप में बहता है, ना कि पूरा गाल पे आपका फैलता है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। ब्लूमिंग नेचर जी, स्वागत है आपका भी, आप बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं, ध्यान रखें क्लास डेली होगी अब से। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज, जल्दी से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे कि जो आपका सीक्वेंस है किसका, शुक्राणुओं के परिवहन के लिए पुरुष प्रजनन प्रणाली में अंगों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, एक सेकंड, तब तक आप ऑप्शंस पढ़ें। आंसर करेंगे भाई सभी, और काफी बच्चों का आ भी गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किसका आया है, 38 का डी। भाई लाइक शेयर बढ़ाओ यार, लाइक शेयर बढ़ाओ, देखो ये आपके हाथ पे, मेरे हाथ पे नहीं है, लाइक शेयर बढ़ाओ। ए आंसर आ रहा है, टेस्टिस वॉज रिफरेंस यूरेथ्रा। 36 क्वेश्चन रह गया मैम, रह गया, अच्छा चलो इसके बाद देखती हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत रहें, बिल्कुल भी नहीं, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो मुझसे गलती होगी, वो जल्दी से आप बताएंगे मुझे, मैं उसको रिमूव करूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर किसका आया, 38 का डी आ रहा है, डी, टेस्टिस वॉल्स डिफरेंस यूरेटर है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, 38 का सी, टेस्टिस, नहीं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ए किया है करेक्ट सिक्वेंस, जिसमें आपका टेस्टिस वॉल्स डिफरेंस एंड यूरेथ्रा होगा, देखो ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, आंसर इसलिए कंफ्यूजन कर रहा है आपको। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि देखो जो आपका टेस्ट स्पर्म कहाँ पर होंगे, टेस्टिस में होंगे, जब आपका स्पर्म टेस्टिस में रहते हैं, उसके बाद जो कंडीशन होगी स्पर्म के फ्लो की, ट्रांसपोर्ट की, वो वॉस डिफरेंस में जाएगा, वॉस डिफरेंस आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे स्पर्म जाएगा, तो बच्चे आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, क्या कौन सी ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यहां पर आपका, क्योंकि मेल में क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है,
ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका स्पर्म क्या होगा, आपका व्हाइट फ्लूड से आपका मिक्स होता है। किसे? व्हाइट फ्लूड, एक सफेद आपका क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जिससे आपका स्पर्म उसमें क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे एंड देन पास इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, और वो कहाँ पर पास हो जाएंगे, आपका यूरेथ्रा में पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पाथ ये वाला हो जाएगा, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अच्छा 36 बोल रहे थे ना आप, एक सेकंड देखते हैं क्या है। हो तो गया वायु जी, क्या बात कर दिया आपने, इतना टाइम लिया यार हमने इसमें, तो हो गया बच्चे, तो 36 बोला ना आपने। हाँ वायु जी, देखो ये हुआ नहीं, ऐसी यार आंसर था जिसका, हो गया ही, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ माइट एंड टिक्स आर कॉल्ड, यानी कि माइट, घुन और किलनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पूरा दिख रहा है, चलो मैंने बोल दिया है। द स्टडी ऑफ माइट एंड टिक्स आर कॉल्ड, क्या बोले, क्या बोला जाएगा बताएंगे, सेमिनल फ्लूड। हाँ जी, हाँ जी, ये डिटेल क्लास जब होती है ना तो उसमें हम हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे ज्यादा अच्छे से हर एक पॉइंट, क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी हम लोगों का ये होता है कि आगे भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो गया, सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं, आप बताएंगे। द स्टडी ऑफ माइट एंड टिक्स आर कॉल्ड, माइट और टिक्स के स्टडी को क्या बोला जाएगा बताएंगे। एक्रोलॉजी, एक्टिनो बायोलॉजी या एग्रेस्ट्रोलॉजी या एनाटॉमी। वेरी गुड, शीतल का आंसर आ गया, एक्रोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, जो माइट्स और वो आपके क्या होते हैं, माइट्स और टिक्स होते हैं, वो आपका, उनके स्टडी को आपका एक्रोलॉजी बोला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका ये क्या होते हैं बच्चे, जो टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, ये मेनली आपने देखा रोड साइड जो डॉग्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है ना। रोड साइड डॉग्स में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि घर के जो डॉग्स होंगे, आपके जो पेट होंगे, उनको तो आप पता नहीं कौन कौन से शैम्पू से नहलाते होंगे, कौन कौन से साबुन से उनको नहलाते धुलाते हैं, क्योंकि बिस्तर पर भी तो सुलाना है उनको, तो इसलिए उनको भी साफ रखना पड़ता है नी। कुछ लोग बिस्तर पर सुला देते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना, तो इसलिए सफाई तो बहुत जरूरी है। तो रोड साइड डॉग्स में ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो रंध्रों के द्वारा जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो कितना प्रतिशत तक हो सकता है। आंसर करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन राइट साइड का नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज, पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत क्या है। अब दिख रहा है वायु जी, क्वेश्चन दिख रहा है 39 का ए, अच्छा वो हो गया, बिल्कुल सही था वो। अब 40 पे आ जाएं, गरिमा वेरी गुड, एक्रोलॉजी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, बी, काफी बच्चों का डी भी आ रहा है 40 का, करें एक बार करें, बी बी डी बी डी सी भी चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है मुझे ना, कंफ्यूजन मतलब रह जाता है कभी, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर बात भी नहीं, मजा भी नहीं आएगा ना, कंफ्यूजन भी होना चाहिए। 80 to 90% होता है बच्चे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा आपको बहुत बार क्वेश्चन में आ गया कि स्टोमेटा आपके लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गार्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। ठीक है ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्टोमेटा के थ्रू, जो रंध्रों के थ्रू आपका वाष्पोत्सर्जन होगा, उसका प्रतिशत आपका 80 to 90% होगा। अब आपका 100% कंप्लीट करना है भाई ट्रांसपिरेशन, तो बाकी जो आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होगा, क्यूटिकल से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वो कितना प्रतिशत होगा बताएंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका, एक क्यूटिकुलर होता है, दूसरा होता है लेंटिकुलर, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितना प्रतिशत होगा, क्योंकि 100% करना है, 80 to 90% यहाँ से हो गया, ठीक है, 3 to 9% यहाँ से हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन, और 0.1 के अप्रोक्स आपका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा लेंटिकुलर। तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, उसके बाद आपका क्यूटिकल की जो लेयर होती है, जो आपका ऑयली जैसे वो होती है ना, जैसे आप पानी डालते हैं तो एक बूंद के रूप में रहता, फैल नहीं जाता है, तो वो जो लेयर होती है वहां पे से 33 to 9% आपका ट्रांसपिरेशन होगा, एंड देन लेंटिकुलर से आपका ट्रांसपिरेशन 0.1% होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो लाइक करें, दिल उड़ते हुए चलें अगर आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, क्वेश्चन नंबर 41। 41 आपकी स्क्रीन पर है, देखो
पीस ऑफ वुड स्विल्स व्हेन इट प्लेस इन वाटर बिकॉज ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेनी सीजन में आपने घरों में देखा होगा खिड़की दरवाजे फूल जाते हैं, क्यों फूलते हैं या उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, बताएंगे जरूर। क्यूटिकुलर को बच्चे मैंने तो क्यूटिकल ही देखा, देखो मैं बताती हूँ मैंने ऐसे देखा है, बाकी हिंदी मुझे भी नहीं लगता कि मुझे इसका पता होगा, ऐसे देखा है मैंने क्यूटिकुल, क्यूटिकल ठीक है। और वायु जी जब एक पेपर मैंने एक टाइम पर पीसीएस का एग्जाम दिया था तो वहां पर क्यूटिकल सेम लिखा हुआ आया था, तो मैं बहुत बार बोला आपको कि बच्चे कई बार क्या होता है ना कि एज इट इज लिखा आता है ठीक है, तो क्यूटिकल ऐसे ही लिखा। अब उसको क्या बोलते हैं हिंदी, तो हिंदी तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं पता। वेरी गुड भाई। हाँ देखो डॉक्टर स्टोन सेंकू जी ने ना बिल्कुल मेडिकल का साइंस के साथ दिल को भेजा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा मन पढ़ाई में बहुत लगता है। अच्छा तो ये भी दिक्कत है कि नहीं, ये ज्यादा नहीं लगना चाहिए ना, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आपका मन ज्यादा लगता है तो। इम्बाइबिशन आ गया, वेरी गुड। गरिमा का आया और किसका आया, सी सी संध्या रावत, अंकित जोशी, बहुत बढ़िया, प्रीतम सिंह, सभी का आंसर सही है भाई। इम्बाइबिशन जो अंतः शोषण वाली क्रिया होती है बच्चे, उसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा रेनी सीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है आपका जो वुड वुड होती है वो स्वेल्स अप हो जाती है, मोटी हो जाती है ठीक है ना। वाटर क्या होता है उनमें एंटर कर जाता है, उस कंडीशन को इम्बाइबिशन बोला जाता है ठीक है। ऑस्मोसिस आपको पता है, हायर टू आपका हायर जो आपकी कंसेंट्रेशन होती है सर, लो कंसेंट्रेशन की ओर। ओके सेम नेम वाले हैं उनका जे, क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है बिल्कुल बताएंगे। हाँ बिल्कुल गरिमा जी, आप देखो मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ जो डेली क्लास देखते हैं, आपको एक चीज तो नोटिस हो रही होगी ना, जो आपने पहले पढ़ा, जितने क्वेश्चन आपने सपोज पहले पढ़े हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा कि आपको अब रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत अच्छा हो गया कि हमारा रिवाइज हो गया एक बार, क्योंकि पता क्या होता है खुद से इतनी चीजें नहीं होती, इस बात को मैं भी मानती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है एज ए मतलब एक सम से स्टूडेंट हम भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है एक टीचर, एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक स्टूडेंट की तरह ही अपनी स्टडी करता है ठीक है ना। तो हम तो फिर भी बहुत एक उस लेवल के टीचर भी नहीं है कि पता ये बताएं कि आप पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रोफेसर जो कॉलेज के होते हैं वो आज तक भी उतना ही पढ़ते हैं जितने वो अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा ना, रिविजन की आपको जरूरत नहीं होगी, अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे ये सही ये सही ये सही, तो एक कॉन्फिडेंस भी तो इंक्रीज हो रहा होगा आप में ठीक है। और एग्जाम को क्रैक करने का सबसे एक अच्छा ये है कि जब आपके अंदर थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूँ ठीक है ना, तो जो मैं कर सकता हूँ वाली जो कंडीशन है ना बच्चे, उससे आपका ये समझ लीजिएगा कि 50% चांस होता है कि आप सिलेक्शन के करीब है ठीक है। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गरिमा जी अगर आप इस चीज से सहमत हैं तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर बोलेंगे कि मैम रिविजन हमारा हुआ है नहीं हुआ, अपना जरूर बताएंगे कि आपको कितना परसेंट आपको इससे अच्छा फील हो रहा है कि हमें कुछ पढ़ा है और उसका रिवीजन हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए उसमें कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है। आपके पास स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं आपके, सोडियम बेंजोएट, पिक्रिक एसिड, ग्लिसरीन एंड सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसको बोलते हैं, तो बताएंगे जरूर। गुड इवनिंग मैम पूजा भट्ट, वेरी गुड इवनिंग, और आप लेट हुए हैं लेकिन नेक्स्ट आपकी जो कल से क्लास होगी उसमें आप लेट नहीं होंगे, 4 o'clock से आपकी क्लास स्टार्ट होगी ठीक है ना। और कोशिश ये रहेगी कि एज बिल्कुल बिल्कुल फिट टाइम पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करें ठीक है ना। तो आप आंसर करेंगे, वेरी गुड गरिमा, यस मैम, अच्छा सोडियम बेंजोइट इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सोडियम बेंजोइट बच्चे आपका जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जितने भी, उनको आपका प्रिजर्व करने के लिए उसमें सोडियम बेंजोइट को ऐड किया जाता है ठीक है, एज अ केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है बच्चे कि आपका जो मानव का जो आपका प्लेसेंटा होता है, आपने आपने हिंदी में आपका कहाँ गए वो हिंदी वाले वायु जी, प्लेसेंटा को अपरा बोला जाता है ये मुझे पता है ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आती हूँ, जब भी मैंने पहले शुरू से पढ़ा कि इसको हिंदी जरूर बतानी पड़ेगी बच्चों को, वरना क्या होगा इसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास है आज पूजा भट्ट, अच्छा ठीक है वेरी गुड, लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे और आप देखेंगे कि आप कितना आगे इससे बढ़ गए, जो आपकी तैयारी अभी तक है उससे आगे आप कितना कर पा रहे हैं अगर आप डेली क्लास में रहेंगे तो ठीक है। ये मेरा एक आपसे क्या है प्रॉमिस ही है भाई, ये समझ लीजिएगा ठीक है।
बी इज द राइट, होमो हीमोकोरियल, वेरी गुड, किसका है? रिचू, प्रवीण राणा, संध्या रावत, बी, वेरी गुड, शीतल, नीतू, वेरी गुड, डॉक्टर जी, हिमानी, शीतल पल, वेरी गुड भाई। ए ए नहीं होगा, ए कौन है? नहीं, ए नहीं होगा बच्चे, ए नहीं होगा, आंसर होगा, गरिमा बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका हीमोकोरियल, ठीक है ना। जो आपका प्लासेंटा होता है, आपको पता है कि जो प्लासेंटा होता है वो क्या करता है, मतलब उससे क्या होता है कि जो आपकी मदर होती है, मदर से जो आपका फिटस होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वहां तक भोजन पहुंचता है, जो न्यूट्रिशन पहुंचता है वो सारा मदर से बच्चे में जो जाने का बीच में काम करता है वो आपका प्लेसेंटा होता है, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो एम्ब्रियो, उसका जो भ्रूण होता है वहां उसका पोषण, उसका न्यूट्रिशन थ्रू प्लेसेंटा ही होता है, ठीक है। मैम मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आती है लेकिन साइंटिफिक नेम हिंदी में मुश्किल। वायु जी बिल्कुल इस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा, वहां पे बाइलिंगुअल ही होगा, यहाँ पर भले नहीं अगर कुछ टर्म हम नहीं बता पाते तो वहां पर बाइलिंगुअल होगा, लेकिन क्यूटिकल क्यूटिकल ही लिखा आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि क्यूटिकल ही लिखा आएगा, ठीक है। हीमोकोरियल जो बच्चे आपका प्लासेंटा होता है ये, और जैसे आपका, क्योंकि आपको पता है हमारे एंसेस्टर्स आपका मंकीज रहे यानी कि बंदरों में, आपका बनू जो आपका लंगूर होते हैं उनमें भी आपका इस टाइप का प्लासेंटा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, यानी कि जो फंजिया होता है उसका साधारण नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए, इजी भी है, ठीक है। तो जो फंजिया होता है उसका कॉमन नेम क्या होगा, बताएंगे जरूर, कोई बात नहीं वायु जी, इंग्लिश हिंदी का कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, इसका आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश कम आती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी स्टूडेंट है जो 10th में और 12th में फेल हुए हैं और आज की डेट में IAS भी वही क्रैक करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं होगा, हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे अच्छे रैंक पर आपका IAS भी बने हैं, ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ए इज द राइट आंसर भाई, ठीक है, वेरी गुड, मैंने ए ए ऑप्शन देखा ना, यहाँ के ऑप्शन नहीं देखे, आपके ऑप्शन देखे तो मुझे लग गया कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मशरूम इज द राइट आंसर। मशरूम कोरल को बच्चे आपका क्या बोला जाता है, आपका कॉमन नेम फंजिया है। अब आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं कि रेड कोरल को क्या बोला जाता है, मतलब रेड कोरल किसका नाम है, तो रेड कोरल आपका कोरिलियम, एक मूंगा यही होता है, कोरिलियम जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका नाम होता है रेड कोरल, कोरिलियम, ठीक है, याद रखेंगे, रेड कोलर कोरिलियम है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चे ब्रेन कोलर, ब्रेन कोलर, अच्छा क्या है, हो गया मैम, क्या हो गया जी, ठीक है ठीक है, बताएंगे क्या हुआ है। मेंडेरेना जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसका नाम है बच्चे ब्रेन कोरल, ठीक है, यानी कि कॉमन नेम है, ये सारे क्या है, कॉमन नेम है, ये इनके क्या है, ओरिजिनल जो नेम होते हैं, कोरिलियम को बोला जाता है रेड कोलर, मेंडेरिना को बोला जाता है आपका ब्रेन कोरल, और आपका लास्ट आता है बच्चे ऑर्गन पाइप कोरल, इसको वो इसका ट्यूबीपोरा का नाम है, किसका नाम है, ट्यूबीपोरा। तो ये जो जीव है इनके आपका कॉमन नेम क्या है, ये है सामने, तो इसको जरूर आप नोट करेंगे, लिखेंगे जरूर, ठीक है, यहाँ पे मेरे भरोसे मत रहना, मैम ने लिख लिया तो हो गया काम, आप खुद अपनी कॉपी में लिखेंगे रेड कोलर, रेड कोरल, कोरेलियम, ब्रेन कोरल, मेंडेरिना एंड ऑर्गन पाइप ट्यूबीपोरा, ठीक है, और आपका फंजिया तो हो ही गया, मशरूम कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसकी एक्वेटिक जो जलीय आपका क्या है प्रजाति है या जाति है कौन सी है, रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बायलेट, रिक्सिया आपका बाई लेडी क्या है ये बाइलर डेरी एंड रिक्सिया फ्लूटेंस, बताएंगे जरूर। गुड इवनिंग, मैं भी बेरोजगार लेकिन अब नहीं होंगे, ठीक है, मैं अब तक थे अब नहीं होंगे, अगर तैयारी अच्छी रहेगी। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है कि जो रिक्सिया फ्लूटेंस होगी बच्चे ये एक ब्रायोफाइट्स है, जो आपका ब्रायोफाइट की वो जाति है जो आपका क्या है जलीय है, एक्वेटिक है, ठीक है, वेरी गुड, हाँ आंसर किया है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब ये क्वेश्चन पिछली बार हुआ था ना तो ये प्रीतम जी ने थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ बोला था, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, सुगर केन इज अ मेंबर ऑफ, सुगर केन किस फैमिली का मेंबर है, फैमिली आपके आगे लिखी है, और इतना मैं बता दूं कि दो फैमिली कोई काम की इतनी नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से, थर्ड आपकी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है और आंसर आपका वही फैमिली होगी, यानी कि ग्रैमिनी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो चिनोपोडियसी फैमिली होगी बच्चे वो आपके सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, तो ग्रामिनी इज द राइट आंसर। ग्रामिनी को ही आपका पोएसी बोला जाता है, तो कई बार आपका ग्रामिनी ना देके पोएसी फैमिली दे देगा, तो आपको आंसर करना है कि सुगर केन, यानी कि जो आपका सैक्रम ऑफिसिनेरम, इसका क्या है साइंटिफिक नेम है। वायु जी ध्यान रखना, आप कल कह रहे थे कि मुझे याद नहीं रहते, हिंदी में भी लिख देते, तो ऐसी है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है, सुगर केन का नाम ऑफिसिनेरम, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो लिख देंगे कि सैक्रम ऑफिसिनेरम सुगर केन का साइंटिफिक नेम है और आपका पोएसी या ग्रामिनी फैमिली का मेंबर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्रॉसिंग यूनिट ऑफ क्रॉसिंग इज, क्रॉसिंग मतलब क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, तो क्रॉसिंग ओवर की कौन सी यूनिट है, जल्दी से आंसर करेंगे भाई। हाँ अंकित जोशी जी कह रहे हैं कि ऐसे धोखा करता है UK SSC, तो हाँ ऐसा हुआ है, मैं भी उस बात को मानती हूँ, क्योंकि जब पहले हुआ तो पेपर का कुछ लेवल और था, जो दूसरी बार हुआ उसमें तो बिल्कुल उन्होंने NCERT को ही पूरा दिया है, 11th और 12th, ठीक है ना, वो सॉरी जो भी आप उसका सिलेबस था 9th 10th 11th 12th जो भी रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो हम तो अपनी तैयारी कर सकते हैं यार, अब क्या बोलें आयोग का कि क्या करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सिलेबस तो हमें कवर करना ही करना है, और सिलेबस से बाहर जाता है तो वो सबके लिए बाहर जाता है, वो किसी एक के लिए नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन हमें काम हमारा सिर्फ एक, देखो बोलते हैं ना कर्म करते रहें फल की इच्छा तो नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा काम है कर्म करना, और कर्म हमारा यही होगा कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ें, ठीक है। तो बिल्कुल हताश निराश तो नहीं होना है। 47 का आपका डी आंसर आ रहा है, रेकॉन, वेरी गुड, तो रेकॉन इज द राइट आंसर भाई, बिल्कुल बहुत सही किया है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो यूनिट है वो आपका रेकॉन है, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका वो होते हैं तीन यूनिट होती है डीएनए के, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट आपका रेकॉन है, सिस्ट्रॉन भी वो है और म्यूटॉन भी है, आपका नाम से स्पष्ट है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन म्यूटेशन के लिए, और आपका रेकॉन आपका क्रॉसिंग ओवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, ये तो बहुत इजी है, सभी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, आंसर करें जल्दी से, ठीक है। कि जो आपका अपराइट ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा सीधा जो आपका पिरामिड होता है वो किसका होता है बताएंगे। हाँ रेकॉन, वेरी गुड मैम, ये क्लास एमसीक्यूज ही चलती है, हाँ जी ये क्योंकि ये आपका क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है ना, एमसीक्यूज का ही है, क्योंकि डिटेल क्लास यहाँ पे नहीं होती, वो एप्लीकेशन पर ही होती है। रेकॉन आंसर है ए, ठीक है, वेरी गुड। पिरामिड आपका एनर्जी का जो पिरामिड होता है बच्चे, वो ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार आया क्वेश्चन, बहुत बार, कितनी बार आ गया वो। व्हाट आर प्रियॉन्स, ये भी आपको पता है प्रियॉन्स क्या होते हैं, बहुत बच्चों को पता भी होंगे। 49 का आंसर करेंगे आप कि प्रियॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। गरिमा का एकदम से आंसर आया, पता क्यों आया गरिमा आंसर, क्योंकि ये आप एप्लीकेशन में भी पढ़ चुके हैं डिटेल में, और आपके पास रिवीजन क्लास के तौर पर भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्यों सही कहा मैंने, क्योंकि प्रियॉन्स क्या होते हैं बच्चे, ये आपका इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीन को ही आपका क्या बोला जाता है, प्रियॉन्स बोला जाता है, ठीक है। और ये ऐसे इन्फेक्शियस फैक्टर होते हैं बच्चे, जिनमें क्या होता है ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा और वो भी इन्फेक्शियस होगा, ठीक है ना। और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि सेल थ्योरी को क्या करता है, एप्लीकेबल नहीं करता है, यानी कि सेल थ्योरी का अपवाद है प्रियॉन्स, है कि नहीं है गरिमा बताएंगे, क्योंकि आप इस पे उस टाइम पे भी थोड़ा सा हमारी बातें हो चुकी हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो 50 क्वेश्चन है आपके पास कि बेड स्पॉट्स ऑन एंटीसेल्स एंड क्लोथ्स आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सेसिव अमाउंट इज, यानी कि कपड़ों पर जो आपके क्या लगते हैं कपड़ों पे, और आपका बर्तनों तथा कपड़ों पर जो बादामी धब्बे आपके लगते हैं, पानी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है जिस वजह से आपके कपड़ों पे या बर्तनों पे इस तरीके के क्या स्पॉट्स पड़ते हैं बताएंगे। वायु जी सिंचेन बन गए क्या है, 50 का सी आ गया भाई, ओ माय गॉड, ठीक है वेरी गुड। हिमानी 50 का ए, इसको गलत मत करो, कोई इसको गलत नहीं करना, 50 का होगा आपका। अच्छा देखो सी और ए ढंग से पढ़ना, ठीक है, सी और ए को ढंग से पढ़ना, क्योंकि मैग्नीशियम है और एक मैग्नीज है, तो आप जिसको थोड़ा
ऊपर नीचे गलत लगा वो अपना सही कर सकते हैं। एक चांस मैं दे रही हूँ कि मैगनीज होगा या मैग्नीशियम होगा, बताएंगे। गरिमा सी, नहीं गरिमा का तो मैग्नीशियम हो है ना, 50 का सी आ रहा है, किसका है? हरिंद्र भंडारी, नीतू, रिशु, मैं भी बेरोजगार। सी नहीं होगा बच्चे, ए इज द राइट आंसर, Mg नॉट Mn, ठीक है। मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है आपके क्लोज पर, आपके ऑरेंज सेल्स पर क्या होता है, आपका स्पॉट्स पड़ते हैं जब आपका पानी में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन, यानी कि कहने का मतलब है 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के हुए, इसके बाद आपके फिजिक्स स्टार्ट हो रखी है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो 25 थे बच्चे, अब क्योंकि पेपर आपका आपके जो फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है उसी तौर पर बन रहा है, 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, जो कि बायो के क्वेश्चन आपके 25 थे, ये आपके क्लियर हो चुके हैं। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा ये रिविजन हुआ है, तो आपको देखो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस उन्हीं को आ रहा होगा बच्चे जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस भी देखी हैं, साथ साथ डेली क्लासेस देखी। देखो एक दिन में हमारी यूट्यूब पर न जाने कितनी क्लास हो गई, इतना देखने का मन किसी का नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर है, किसी के क्लास देखने का इतना बार बार मन नहीं होता है। अगर आप डेली देख रहे हैं ना, तो वो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, प्लस आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर जाएगी। तो मेरी आपसे अभी भी ये रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है, कि आप डेली क्लास लें, आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप डेली क्लास लें, इससे आपका फायदा होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? सीएम पोस्ट के लिए। सीएम पोस्ट के लिए जितने पढ़े उतना ही बहुत है, ठीक है। चलो, तो और कोई किसी को प्रॉब्लम आती है, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन देखो ऑफलाइन कमेंट का है, आपको सेशन पसंद आता है, आपका कितना रिवीजन हो रहा है, ये आपके लिए यूजफुल हो रही है क्लास या हार्मफुल हो रही है, वो सब कुछ आप ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हर एक सेशन के बाद अपना रिव्यू जरूर देंगे कि हमें कैसा लगा, रेटिंग जरूर देंगे, क्योंकि आपने देखा मूवी जब वो हो जाती है ना, मूवी लग जाती है तो उसके बाद आप रेटिंग देना शुरू करते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, ठीक है। तो वो रिव्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से रिव्यूज देना है, क्योंकि क्लास अगर अच्छी लगेगी तो और ज्यादा अच्छी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ कमी है तो भी उसको सुधारेंगे और इम्प्रूव करेंगे आगे। ये मेरा खुद का काम रहेगा कि आप अगर कोई कमी बताते हैं तो मैं उसको राइट, ठीक है। ये 2499 का आई थिंक है ना, क्योंकि थैंक यू मैम जी, थैंक यू सो मच प्रीतम जी। और ये आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, आप फ्लेम कोचिंग सेंटर जो आपका एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें, वहाँ पे एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का जो बैज होगा उसमें आपका अमाउंट भी डला होगा, एक बार वहाँ विजिट जरूर करें, जाके देखें, अगर होता है तो आप करें एक बार, ठीक है ना। और एप्लीकेशन में अभी तक जो क्लासेस हैं वो आपके हर एक टॉपिक को मैंने सिर्फ टॉपिक वाइज जितना सिलेबस में उसी उसी टॉपिक को डिस्क्राइब किया, फालतू उसमें कुछ है नहीं, हर एक लाइन पर आपके आंसर मतलब क्वेश्चन छिपे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बनाकर रखें जो आपके यूट्यूब पर हो रही हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, रेटिंग आफ्टर एग्जाम, आफ्टर एग्जाम तो बच्चे अपने लिए रेटिंग देना, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं दोगे, हमें भी दोगे, लेकिन अपने लिए ज्यादा देना, क्योंकि उस टाइम पे इंसान को लगता है कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मेरा पढ़ाया और आपने नहीं किया ना, तो उस टाइम पे आप देखना कितना गिल्ट फील होता है, और भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। मेरी भी आप यही आपके साथ दुआएं हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन मैं एक वो बता रही हूँ कि ऐसा होता है, तब आपको लगता है या हमें भी ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी, उस दिन क्लास ली होती तो आज ये क्वेश्चन सही हो जाता, उस टाइम पे एक एक क्वेश्चन की कितनी कीमत होती है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं लेंगे, आपका समय भी नहीं लेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे कल 4 बजे इसी टाइम पे ऐसी नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ये तो आपका सेट था, लेकिन कल हम आपके नए क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके नीट प्लस ऐसे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मेरी अब क्योंकि नीट पर ज्यादा मेरा फोकस है, कि हो सकता है कि मैं नीट के क्वेश्चन ऐड करूँ, तो उस पर मैं एक दो दिन से काम कर रही हूँ और आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खिलखिलाते रहें।